पूरे झारखंड में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में सड़क किनारे रहने वाले गरीब और असहायों की परेशानी बढ़ गई है। जरूरतमंदों की समस्याओं को देखते हुए शहर के कुछ सामाजिक लोग सड़कों पर निकलकर गरीबों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में राजधानी रांची के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी रामाशंकर प्रसाद ने अपने दिवंगत माता पिता के पुण्यतिथि पर रांची के बिरसा चौक स्थित अपने प्रतिष्ठान के पास गरीबों और जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया। उनका कहना है कि यह छोटा सा प्रयास है। उन लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर जो भी लोग सक्षम हो वह जरूर आगे आए और बढ़ चढ़कर गरीबों की मदद करें। इतना आराम है, कुहासा में हम लोगों को कमल बांट रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बतावे। कुहासा में हम लोगों को ठंड से बचाने के लिए बोल रहे हैं। बहुत हालत खराब था पहले, इतना हालत खराब था कि ठंड से ठिकु रहे थे। राहत बहुत मिला है, भाई लोग बांट रहे हैं, हम लोग को राहत मिल रहा है। हर साल मिलता है, बुढ़ी जी कमल मिलने से दुआ देता है, आगे बढ़ेगा, कमाई खाए बरकत होगा का, वही बात है, कुछ नहीं। ठंडा है अभी भी, देखिए ना बादल तो दिखाई नहीं दे रहा, सूरज तो ठंडा है हम लोग के लिए, इसीलिए बोल रहा है कि आइएगा तो आए। मिला दे दिया साल जैसे कमल, राहत मिलेगा तभी नहीं लिए। हर साल मिलता है, देता है रामाशंकर नाम करते हैं। अच्छा, अपने ये करीब 15 साल से चला रहे हैं। हमारे माता श्री पहले चलाती थी, उनके देहांत के बाद हम अपने माता श्री और पिताजी के देहांत के प्रताप उनके आत्मा को शांति के लिए सभी के बीच में कंबल वितरण करते हैं, ताकि हाँ घूम घूम के मंदिरों में बांटते हैं, मस्जिदों में बांटते हैं, गिरजाघरों में भी बांटते हैं, सब जगह घूम घूम के बांटते हैं। आज तो करीब 150 से 200 आदमी का है और 2 दिन और बांटे हैं, जैसे 27 दिसंबर को बेटा का जन्मदिन था उस दिन भी बांटे हैं। ये 15 साल से बांटते आ रहे हैं और बहुत शांति सुकून मिलता है। किसी के काम अगर आ दें उससे अच्छा और क्या है। मैं सब उन लोग को संदेश यही दूंगा कि जो जिसके पास सक्षम है वो ऐसे परिस्थिति में गरीबों के बीच कुछ ना कुछ ठंड के दिन में कंबल बांटे, अगर वो भूखे हैं तो उनको खाना खिलाएं, ये मेरा उन लोगों से आग्रह है। इससे बड़ी सुकून मिलती है, ना कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा।